हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाली है। फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हैं, जैसे AKTU के 8 सितंबर से एग्जाम है, तो उनके सब्जेक्ट्स का जो मोस्टली पैटर्न है वो चेंज हो चुका है एग्जाम का। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए कंटेंट होना ज़रूरी है। तो हम डेली MCQ कलेक्शन लेके आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये पार्ट वन है डेटा कंप्रेशन सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सपोर्ट कीजिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे और बाकी अलग अलग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पे भी हमारी वीडियो आगे आएगी। तो इसलिए सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए। डेटा कंप्रेशन की ये पहली वीडियो है, जल्दी से हम काफ़ी सारी वीडियो कवर कर लेंगे और काफ़ी सारे MCQ को कवर करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये जो वीडियो हैं, ये जो MCQ सेट हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि MCQ आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनका आपके एग्ज़ाम से एग्ज़ाम पेपर से कोई एग्जैक्ट लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं और आपको MCQ का आइडिया लग जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा कंप्रेशन में, वो है लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQ पूछे जाते हैं, जो MCQ हम आगे काफ़ी सारे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये क्विक एक रिविजन हो जाए, तो एक डिफरेंस देख लेना जल्दी से, ताकि MCQ हम जल्दी जल्दी कवर कर लें। तो लॉसी एंड लॉसलेस में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, लॉसी कंप्रेशन इज़ अ मैथड विच एलिमिनेट्स दी डेटा। लॉसी कंप्रेशन में जो डेटा है वो एलिमिनेट हो जाता है कंप्रेशन के बाद, विच इज़ नॉट नोटिसेबल। ठीक है, जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। और लॉसलेस कंप्रेशन में जो डेटा है वो एलिमिनेट नहीं होता है। ठीक है, और लॉसी में अ फाइल डज नॉट रीस्टोर और रीबिल्ड इन इट्स, हम फाइल को अगर एक बार डेटा लॉस हो गया तो उसे रीस्टोर और रीबिल्ड नहीं कर सकते। और लॉसलेस में फाइल को रीस्टोर करा जा सकता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। लॉसी कंप्रेशन डेटा की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाती है, लॉसलेस में डेटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी जाती। लॉसी कंप्रेशन में डेटा का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, पर लॉसलेस कंप्रेशन में डेटा का साइज़ नहीं रिड्यूस होता। कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं जो लॉसी कंप्रेशन को लॉसी कंप्रेशन के लिए यूज़ की जाती हैं? ट्रांसफॉर्म कोडिंग है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म्ड है, और फ्रैक्टल कंप्रेशन है, काफ़ी सारी एल्गोरिथम है। और लॉसलेस के लिए जो है वो रन लेंथ एनकोडिंग है, लैम्पल-ज़िप-वेल्क है, हफमैन कोडिंग है, अर्थमेटिक एनकोडिंग है। तो ये लॉसलेस के लिए है। लॉसी कंप्रेशन जो कि यूज्ड होता है वो इमेज, ऑडियो और वीडियो के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए नहीं होता। लॉसलेस में टेक्स्ट और इमेजेस और साउंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉसी कंप्रेशन में टेक्स्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन काफ़ी के पास डेटा होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और लॉसलेस कंप्रेशन के पास डेटा होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि देन लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है, एंड लॉसी कंप्रेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज इररिवर्सिबल कंप्रेशन। इसे इररिवर्सिबल कंप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम डेटा को वापस रीस्टोर नहीं कर सकते, और लॉसलेस को रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये बात हो गई दोनों के बीच के डिफरेंस की। तो चलिए जल्दी से MCQ शुरू करते हैं। तो हमारा पहले MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी सूटेबल फॉर लॉसी कंप्रेशन। तो हम पहली बात कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी फाइल है, जिसे कौन सी इमेज, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम लॉसी कंप्रेशन को सुटेबल नहीं करती, तो वो से है टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉपरली? तो पहला स्टेटमेंट नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस, तो ये नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है देयर इज नो लॉस इन इन्फॉर्मेशन एट ऑल आफ्टर कंप्रेशन। इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए आफ्टर कंप्रेशन के, तो लॉसलेस कंप्रेशन, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन अलाउज यू टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डेटा। इसके बारे में बात कर ही चुके हैं, लॉसलेस कंप्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज लॉसी कंप्रेशन डू टू फाइल्स। तो लॉसी कंप्रेशन के बारे में हम देख चुके हैं, तो वो क्या करता है, फाइल का साइज इंक्रीज नहीं करता, एलिमिनेट्स नो इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं है, डिक्रीज दी फाइल साइज, ये भी एलिमिनेट्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन ए फाइल टू रिड्यूस फाइल साइज। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो देखिए उसकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं कर रहे हैं। डिक्रीज इज द फाइल साइज एंड कीप्स द सेम क्वालिटी, ऐसा नहीं होता। फाइल की साइज रिड्यूस होती है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कराया जाता है। एलिमिनेट्स नो इन्फॉर्मेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, और इंक्रीज दी फाइल साइज, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन डज द जिप फॉर्मेट सपोर्ट। जिप फॉर्मेट कौन से कंप्रेशन को सपोर्ट करता है? तो आप खुद ही देखिए, डेटा जिप फॉर्मेट में भी डेटा का लॉस नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो लॉसलेस कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। विच ऑफ दीज इमेज फाइल फॉर्मेट सपोर्ट लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स।
तो अब इस इमेज फाइल फॉर्मेट्स में से भी अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं जो लॉसलेस कंप्रेशन, यानी कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, तो PNG, GIF, BMP और SVG में लॉसलेस कंप्रेशन सपोर्ट करा जाता है। JPG में क्वालिटी डेटा का थोड़ा लॉस होता है, फाइल की साइज जो इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो रिड्यूस होते हैं, तो इसमें लॉस ही यूज होता है। PNG, GIF, BMP और SVG में लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज होती है। विच ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ फाइल कंप्रेशन, कौन कौन सी फाइल कंप्रेशन टेक्निक्स इनमें से हैं, लॉसलेस लॉसी के बारे में जानते हैं, सुपर चैनल और होती है, स्टैंडर्ड और रिडंडेंट ये कोई कंप्रेशन टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या अगर आपको और कोई भी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो, आगे काफ़ी वीडियो आने वाली हैं इसके ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उसके ऊपर हम ट्यूटोरियल भी बना देंगे छोटे मोटे, ठीक है। व्हाट आर द मेन रीजंस टू कंप्रेस डेटा, डेटा को कंप्रेस करने के कौन कौन से रीज़न है, तो ये तीनों ही रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न है टू रिड्यूस सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, जाहिर सी बात है जो सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस है उसका जो उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए। टू स्पीड अप नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइम, ये भी एक रीज़न है। एंड टू रिड्यूस पैकेट कंजेशन ऑन नेटवर्क, तो ये तीनों ही रीज़न मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही आंसर हैं इसके, ठीक है। डेटा कंप्रेशन मीन्स टू डिक्रीज दी फाइल साइज, हाँ ये एक करेक्ट आंसर है, ट्रू है। डेटा कंप्रेशन इसीलिए होता है फाइल साइज को डिक्रीज करने के लिए। डेटा इंक्रिप्शन में भी और एंड कंप्रेशन में बोथ वर्क ऑन बाइनरी कोड, दोनों ही बाइनरी कोड पे वर्क करते हैं 10 पे, तो ये भी ट्रू है। व्हाट इज कंप्रेशन, सीधी सी डेफिनेशन है, काफ़ी सारे ऑप्शन हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सीधा सीधा आंसर है टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा टू सेव स्पेस, ठीक है। कंप्रेशन इन जनरल मेक इट टू डैश टू सेंड अपलोड एंड स्ट्रीम डेटा क्विकर, ठीक है। कंप्रेशन क्या करता है, क्विकर कर देता है सेंडिंग अपलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा की। डेटा कंप्रेशन यूजुअली वर्क्स बाय फाइंडिंग रिपीटिंग पैटर्न्स, ये एक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। डेटा कंप्रेशन मेनली फंडामेंटल क्या है उसका, किस चीज़ पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल क्या है, सिंपल प्रिंसिपल ये है फाइंडिंग रिपीटिंग पैटर्न्स, रिपीटिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है और उसके बेस पे कंप्रेशन करता है। विच ऑफ दीज टर्म्स इज अ टाइप ऑफ डेटा कंप्रेशन, तो MP3, MKV ये फाइल्स के फॉर्मेट हैं, जिपिंग एक डेटा कंप्रेशन का फॉर्मेट है, तो जिपिंग इसका आंसर है। वॉट टाइप ऑफ फाइल इज रिप्रेजेंटेड हेयर, तो ये वेव फॉर्म फॉर्मेट है, WAV, ठीक है, साउंड का, तो ये WAV फॉर्मेट की फाइल है, तो इसका आंसर है WAV, ठीक है। तो नेक्स्ट, लॉसी और लॉसलेस में से दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन डज नॉट गेट रिड ऑफ एनी डेटा, तो इसका आंसर आप पहले ही जानते हैं, इसका आंसर क्या है, लॉसलेस, क्योंकि इसमें डेटा का लॉस नहीं होता है। लॉसी और लॉसलेस में से कौन सा कंप्रेशन है जो फाइल को स्मॉलर कर देता है, तो ये इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करने वाले होते हैं, फाइल को स्मॉल दोनों ही करते हैं, तो इसका आंसर बोथ आएगा। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि लॉसी में डेटा का लॉस हो रहा है तो वही फाइल को छोटा कर रहा होगा, लॉसलेस में भी फाइल स्मॉल होती है, ठीक है। लॉसी और लॉसलेस में से दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन गेट्स रिड ऑफ सम इन्फॉर्मेशन, तो सम इन्फॉर्मेशन, हाँ भाई थोड़ा बहुत डेटा तो लॉस होता है, तो उसका आंसर लॉसी है, ठीक है। विच बेस्ट डिस्क्राइब लॉसलेस कंप्रेशन, देयर इज नो लॉस इन इन्फॉर्मेशन एट ऑल आफ्टर कंप्रेशन, तो इसका आंसर ये है, मेक्स द फाइल स्मॉलर बाय डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ द फाइल परमानेंटली, रिकवर नहीं हो सकता फॉर एवर के लिए, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि लॉसी कंप्रेशन है। When is run length encoding used? Run length encoding को हम कब यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। When we want to compress patterns of data, जब हमारे पास पर्टिकुलर पैटर्न रिपीटिशन हो किसी, हमारे पास किसी भी टेक्स्ट में, किसी स्ट्रिंग में या किसी स्टेटमेंट में repetitions हो हम जब भी, या हमारे पास कोई पैटर्न हो हम जब भी run length encoding को यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे और देखेंगे, काफ़ी अच्छे MCQ हैं इसके ऊपर। रन लेंथ इनकोडिंग के बारे में जब बात छिड़ी है तो थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में देख लीजिए। रन लेंथ इनकोडिंग हम पहले ही देख चुके हैं, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में है तो इसमें डेटा लॉस अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लॉसलेस डेटा यूज़ करते हैं। इट इज़ सिंपलेस्ट डिक्शनरी बेस्ड डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, ये डिक्शनरी बेस्ड डेटा कंप्रेशन टेक्निक में आती है, एज अ यूज इज अ लिस्ट और डिक्शनरी को यूज़ करती है फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो पैटर्न्स आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है, ए देखिए मल्टीपल टाइम्स, बी मल्टीपल, तो नंबर एक पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, तो जब भी हम रन लेंथ इनकोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए आप, ए जो है वो 7 है तो, और बी जो है वो 5 है, सी जो है 6 है, तो कंप्रेस डेटा अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी आता है ये दे रखा हो और आपको इसका कंप्रेस डेटा फॉर्म लिख रहे हो, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर और उसके बाद उसका नंबर ऑफ रिपीटिशन, तो ए 7, बी 5, सी 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करेक्ट
इनकोडिंग ऑफ द लेटर सी इन दिस ट्री। तो लेटर सी तक हमें पहुंचना है, तो इसकी इनकोडिंग क्या, करेक्ट इनकोडिंग क्या फॉलो होगी अगर टॉप से शुरू करें तो 01, ठीक है। तो इसका आंसर 01 है, सीधा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हफमैन ट्री, हफमैन ट्री यूज द डैश ऑफ ईच अदर कैरेक्टर टू वर्क आउट देयर इनकोडिंग। तो हफमैन ट्री क्या यूज करता है अपना बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि ईच कैरेक्टर की ऐसी क्या चीज होती है उसके ऊपर जिसके बेस पे वो इनकोडिंग परफॉर्म करता है। तो वो उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हफमैन कोडिंग के बारे में आगे और देखेंगे, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, तो हफमैन कोडिंग के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक देख ले रहे हैं। तो हफमैन कोडिंग के अगर बारे में बेसिक बात करें तो इस नेम्ड आफ्टर डेविड ए हफमैन के नाम पे ये हफमैन कोडिंग पड़ी है। हु डेवलप्ड द कोड इन 1952। ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है, इसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ कोडिंग टेक्निक। इसमें फिक्स लेंथ हमारे पास आती है और वेरिएबल लेंथ तक हम इसे, इसका आउटपुट जो मिलता है हमें वेरिएबल लेंथ का मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ कोडिंग टेक्निक। इट असाइंस फ्यू बिट कोड फॉर सिंबल्स इंटेंसिटी वैल्यूज विथ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये फ्यू बिट्स ऑफ कोड इसके पास होते हैं, सिंबल होती है इंटेंसिटी वैल्यू को असाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और उसका उल्टा वाइस वर्सा भी फॉलो करता है। इन दिस वे नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर द मैसेज इमेज इज रिड्यूस्ड, ठीक है। इट एलिमिनेट्स कोडिंग रिडंडेंसी। हफमैन कोडिंग के बारे में और देखें, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करती है विच कंसीडर फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी जो भी हमारे पास है ऑफ अल्फाबेट्स फॉर जनरेटिंग कोड्स। सो कोई भी नो कोड इज प्रीफिक्स ऑफ अनदर कोड, कोई भी कोड किसी दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं होता, ड्यू टू विच अ सीक्वेंस ऑफ कोड कैन बी अनएम्बिगसली डिकोडेड टू कैरेक्टर। और ये एल्गोरिथम है बेसिकली बाइनरी ट्री फ्रीक्वेंसी सॉर्टिंग मेथड को फॉलो करती है, अलाउज टू इनकोड एनी मैसेज। कोई भी मैसेज का सीक्वेंस हो उसे हम शॉर्टर इनकोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रीअसेंबल भी कर सकते हैं ओरिजिनल मैसेज में, तो रिकवरी भी है विदाउट लॉसिंग एनी डेटा, क्योंकि यहाँ पे लॉसलेस फॉलो कर रहा है तो इसलिए डेटा रिकवर हो सकता है। व्हेन अप्लाइंग हफमैन कोडिंग टेक्निक ऑन एन इमेज द सोर्स सिंबल कैन बी द पिक्सल। सोर्स सिंबल हम क्या मान सकते हैं, पिक्सल, जैसे वहाँ फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं यहाँ पे पिक्सल इंटेंसिटी मान सकते हैं। तो टू स्टेप्स होते हैं इसके, सोर्स का रिडक्शन और कोड का असाइनमेंट। तो ये हफमैन कोडिंग के बारे में बेसिक बात हो गई। हाउ डू यू मूव थ्रू ए हफमैन ट्री, हफमैन ट्री में किस तरीके से मूव करते हैं, लेफ्ट को जो हमारा लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो उसे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट में जा रहे हैं तो वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट इन ASCII। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स किसी भी बॉडी की, किसी टेक्स्ट की, किसी स्ट्रिंग की, ऑफ टेक्स्ट इन ASCII, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं बीच में जो स्पेसेस हैं उसको भी इंक्लूड करके इनटू 7, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच फार्मूला शोज हाउ टू वर्क आउट द परसेंटेज अ फाइल हैज़ बीन कंप्रेस्ड बाय। अगर आपको पता लगाना है कि कोई फाइल कंप्रेस्ड हुई है तो वो किस परसेंटेज से कंप्रेस हुई है, तो आप पता लगा सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बिट्स इन ASCII वैल्यू, जो वो बिट्स हैं उसे ASCII वैल्यू में लिखिए, इनटू 100। तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस परसेंटेज रेशियो से वो फाइल कंप्रेस हुई है, ओके। नेक्स्ट जो है, मेक्स दी फाइल स्मॉलर बाय डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ दी फाइल परमानेंटली फॉर एवर के लिए, इसके बारे में देखा ही है। तो अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर लॉसी कंप्रेशन है। फिर देखिए, मेक्स द फाइल स्मॉलर बाय गिविंग रिपीटेड पैटर्न्स कलर स्पेसिफिक कोड। तो ये देखिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि फाइल को स्मॉलर करा जा रहा है बाय गिविंग रिपीटेड पैटर्न्स कलर्स अ स्पेसिफिक कोड। रिपीटेड पैटर्न्स या कोई कलर है तो उसको एक स्पेसिफिक कोड से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, तो इसका आंसर लॉसलेस कंप्रेशन है, क्योंकि डेटा का लॉस नहीं हो रहा उसे, बल्कि रिपीटेड पैटर्न्स को एक स्पेसिफिक कोड से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज फॉर लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन के बारे में आप जानते ही हैं, तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है द फाइल साइज बिकम सिग्निफिकेंटली मच स्मॉलर। इसमें फाइल साइज स्मॉल हो जाता है, मच स्मॉलर की बात हो रही है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि फाइल दोनों में स्मॉल होती है लेकिन इसमें ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। Which of these is an advantage of lossless का क्या है, the file size does not become much smaller, ठीक है। हमने पहले MCQ में देख लिया कि lossless में ज़्यादा, lossy में much smaller होता है, lossless में become ज़्यादा smaller नहीं होता है than 50%, 50% से ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ये इसका rule है, ठीक है। तो लॉसलेस कंप्रेशन परमानेंटली डिलीट दी डेटा, जाहिर सी बात है फॉल्स है। लॉसी कंप्रेशन वुड बी सुटेबल फॉर टेक्स्ट फाइल, हम पहले ही देख चुके हैं टेक्स्ट फाइल के लिए ये फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा का लॉस हो जाएगा तो टेक्स्ट से तो मैसेज चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर फॉल्स है।
तो कंप्रेशन लुक्स फॉर रिपीटेड डेटा, कंप्रेशन हमेशा रिपीटेड पैटर्न या डेटा को फाइंड आउट करता है। कौन कौन से मेनली डिफरेंट टाइप्स हैं कंप्रेशन के, कितने टाइप हैं, दो टाइप के हैं, लॉसी एंड लॉसलेस। लॉसी और लॉसलेस में से कौन सा कंप्रेशन है जो फाइल को छोटा करता है, पहले ही देख चुके हैं, सेम एमसीक्यू है बोथ। लॉसी और लॉसलेस में से ऑल इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी को क्या मेंटेन रखा जाता है, कौन सा ऐसा कंप्रेशन है जो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी दोनों को मेंटेन करता है। तो लॉसी में इन्फॉर्मेशन क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी जा सकती, ठीक है, सिर्फ लॉसलेस में ही रखी जा सकती है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लॉसी और लॉसलेस में से ऐसा कौन सी कंप्रेशन है यूज फॉर वेब इमेजेस, एज इट गिव्स द स्मॉलेस्ट फाइल साइज, दिस मेक इमेज ईजियर टू अपलोड डाउनलोड एंड शेयर। अब आप सोचेंगे कि वेब इमेजेस को या कौन सी इमेज टेक्निक है जो हम अपने वेबसाइट में जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं उसे हम स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ में कन्वर्ट करके और यूज़ करें अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए शेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इमेज है तो उसमें डेटा का लॉस भी होगा, इमेज का रिजोल्यूशन घटेगा तो उसमें लॉस ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बिट्स बाइट्स और अलग अलग जो स्टोरेज बाइट्स बिट्स हैं इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बाइट्स टू बिट्स, किलोबाइट टू मेगाबाइट, तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो आप बेसिकली कौन से किस वैल्यू में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन होते हैं ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, तो एक या दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मली बिट जो है वो आप जानते हैं 1 बिट की बात हो रही है, निबल जो होता है वो 4 बिट्स की बात होती है, बाइट एक बाइट में 8 बिट होते हैं, किलोबाइट में 1024, फिर वो 1024 का ही पैटर्न चलता है, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, जीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट एंड टेराबाइट में। तो इसका ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा कि आप बिट, निबल, बाइट, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट। तो अगर आपसे पेटाबाइट के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको इस ऑर्डर में चलना है, पेटाबाइट से आपको टेराबाइट में इंटू 1024 इंटू 1024 आपको इस तरीके से उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देन एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है, मेनली इन्हीं में ही आएगा, किलोबाइट मेगाबाइट गारंटी नहीं है लेकिन आपको देख लेना चाहिए क्योंकि डेटा कंप्रेशन का ये एक टॉपिक है, ठीक है। लॉसी और लॉसलेस में द फाइल साइज इज रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द होल फाइल स्मॉलर, पूरी फाइल को स्मॉल कराया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि लॉसलेस की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, द फाइल साइज इज रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द होल फाइल स्मॉलर, यानी कि पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड आउट करा जा रहा है और पूरी फाइल को स्मॉल कर दिया जा रहा है, लेकिन लॉसी में ऐसा नहीं होता है कि पूरी फाइल को स्मॉलर करा जाता है, पर्टिकुलर एरिया को भी स्मॉल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर लॉसलेस है। तो नेक्स्ट जो है वो बात हो रही है, MP3 इज अ लॉसलेस फाइल फॉर्मेट फॉर साउंड, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये साउंड की जो फाइल्स, साउंड के जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं ये लॉसलेस में नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी का डेटा का लॉस होता है, तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। वॉट इमेज फाइल फॉर्मेट आर यूज फॉर शॉर्ट एनिमेशन, शॉर्ट एनिमेशन के लिए आप जानते हैं GIF फाइल होती है, डज GIF यूज लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन, तो ये लॉसलेस को यूज करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा आगे बता दूंगा, एक डिफरेंस क्लियर कर दूंगा कि GIF है ये, और जो ऑडियो इमेज के जो ये फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, कौन लॉसी में बिलोंग करता है कौन लॉसलेस में, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें सीधे से कह रहा है कि GIF डज GIF यूज लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन, तो अगर आप खुद देखें तो GIF में अगर डेटा का लॉस हो जाएगा तो जो उसमें मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा, मूवमेंट है उसमें कुछ ना कुछ जो मूवमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये शॉर्ट वीडियो फाइल होती है, एनिमेशन फाइल होती है, तो इसीलिए ये लॉसलेस को फॉलो करती है, लॉसी को नहीं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद टेक्स्ट कंप्रेशन, अगर हम टेक्स्ट कंप्रेशन को फॉलो अगर करना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज वुड कंप्रेस दी बेस्ट, तो अगर आप खुद देखें सीधी सीधी सी कि अगर टेक्स्ट कंप्रेशन कर रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें रिपीटिशन फॉलो हो, जिसमें हम अगर कोई सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो आप सीधे से देख सकते हैं ये बफेलो वाला जो पैटर्न है, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग लेटर कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क है, बाकी सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये टेक्स्ट कंप्रेशन के लिए बेस्ट सेंटेंस है, इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल बेस्ड सेंटेंस है, सिचुएशन बेस्ड सेंटेंस वो है क्वेश्चन, आई राइट पोयम, मैंने पोयम लिखी 100 कैरेक्टर्स लॉन्ग, आई कंप्रेस दिस टू अ स्ट्रिंग, मैंने उसे 30 कैरेक्टर में कंप्रेस कर दिया, मेरे पास एक पोयम है 100 कैरेक्टर की, मैंने उसे 30 कैरेक्टर में कंप्रेस कर दिया, ठीक है। एंड अ की, जो मेरे पास की है, डेट इज जो उसकी की है
वो 10 कैरेक्टर लंबी है। मैंने उस स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स थे 100 कैरेक्टर के उसे 30 में कन्वर्ट कर दिया, और जो उसकी की है जिसके बेस पे उसे रिकवर या जो भी करा जा सकता है वो 10 कैरेक्टर लॉन्ग है। व्हाट इज़ माय परसेंटेज कंप्रेशन? तो फॉर्मूला हम पहले ही बात कर चुके हैं पीछे, तो उसके बेस पे जो इसका आंसर आएगा वो 60% आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बाकी आगे हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे क्वेश्चंस की तो हम जब देखेंगे इसका आंसर वैसे 60% है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये वही कन्वर्जन के क्वेश्चन आ गए जिसके बारे में मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया कि 3.5 KB इज हाउ मेनी KB, तो इसको आप सीधे से फाइंड आउट कर सकते हैं। KB टू MB जाना है तो आपको सीधे सीधे 3.5 अपॉन 1024 डिवाइड करना है। 3.5 MB इज हाउ मेनी KB, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे 3.5 को, आप 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सीधे सीधे, तो ये फिक्स्ड वैल्यू दिखा रहा है, कुछ अप्रोक्स वैल्यू उससे ज़्यादा बैठेगी, लेकिन वो नंबर ऑफ जीरोस के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है, तो इसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, 3.5 MB इज हाउ मेनी बाइट्स, तो आप ये क्वेश्चन के आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन वुड यू यूज टू कंप्रेस अ वीडियो? वीडियो को कंप्रेस करना है हमें, तो हम कौन सी कंप्रेशन वीडियो, अगर 1024 फॉर रिजोल्यूशन में है उसे और छोटा रिजोल्यूशन कंप्रेस हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी का लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लॉसी कंप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन वुड यू यूज टू कंप्रेस अ टेक्स्ट फाइल? इसमें कुछ भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए तो लॉसलेस यूज करेंगे। व्हेन लॉसी कंप्रेशन इज यूज डेटा इज लॉस्ट, तो ये आंसर ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट? बिट मैप जो फॉर्मेट होता है वो कभी भी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो आगे और अभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को लेकर के। अनकंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स रिक्वायर लेस मेमोरी देन कंप्रेस्ड फाइल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अनकंप्रेस्ड जो ऑडियो और वीडियो फाइल होंगी वो कैसे लेस मेमोरी ले लेंगी कंप्रेस फाइल से। ठीक है, JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ओके, तो फुल फॉर्म भी इस तरीके से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो है, लॉसलेस कंप्रेशन परमानेंटली डिलीट दी डेटा? नहीं, इसमें हम रिकवरी कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। लॉसी कंप्रेशन वुड बी सुटेबल फॉर टेक्स्ट फाइल, ये भी फॉल्स है। सेलेक्ट दी एडवांटेज फॉर लॉसी कंप्रेशन, तो अगर सेंटेंसेस को देखें, मेक्स दी फाइल मच स्मॉलर, हाँ मच, ये करेक्ट है, पहला एडवांटेज है। विल सेंड मच क्वेकर, जाहिर सी बात है कि जब कंप्रेशन में फाइल का साइज छोटा इतना हो जा रहा है तो डेटा भी काफ़ी तेज़ी से जाएगा, ये भी ठीक है। अब वेरी सिंपल एल्गोरिथम, इसकी काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अगला जो है, द क्वालिटी विल नॉट बी अफेक्टेड मच, तो ये रॉन्ग है, ये एडवांटेज नहीं है। अगर लॉसलेस के बारे में बात करें, मेक द फाइल मच स्मॉलर, ये नहीं है, बाकी सारे इसके एडवांटेज हैं। द क्वालिटी विल नॉट बी अफेक्टेड मच, ये भी इसका एडवांटेज है, तो ये एडवांटेजेस के बेस पे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है, यू वुड यूज डैश कंप्रेशन इफ यू स्टिल नीडेड टू हैव अ हाई क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज मेंटेन करनी है तो लॉसलेस ही यूज करेंगे। यू वुड यूज डैश कंप्रेशन इफ स्पेस वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी, अगर स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी से तो भी हम लॉसलेस ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर स्पेस की बात हो रही है और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम लॉसलेस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, विच ऑर्डर इज़ करेक्ट, तो ऑर्डर की बात करें, हम पहले ही देख चुके हैं, बिट, नेबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी बाइट्स आर इन MB, तो ये वही कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं, तो आपको वो टेबल अगर दिमाग में है, आपको एक ऑर्डर दिमाग में है, तो आप किसी का भी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द मेन रीजंस टू कंप्रेस डेटा, डेटा को कंप्रेस करने के इनमें से क्या क्या रीज़न है, तो आप सारे सेंटेंस को अगर क्लियरली पढ़े हैं तो आप खुद ही पता लगा लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कंप्रेशन क्यों होता है, तो आप पहला सेंटेंस देखें, टू रिड्यूस सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये एक रीज़न है। टू मैक्सिमाइज द अवेलेबल रैम मेमोरी, रैम मेमोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं है। टू स्पीड अप नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइम, नेटवर्क ट्रांसमिशन, अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग, टेक्स्ट या पैकेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंप्रेस डेटा करा जाता है। टू ऑप्टिमाइज द डेटा, ऑप्टिमाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। टू रिड्यूस पैकेट कंजेशन ऑन नेटवर्क, तो ये भी एक रीज़न है। दिस इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इमेज जो है ये BMP इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, विच ऑफ फाइल इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपने अपने फोन में भी देखा होगा .wav फॉर्मेट की फाइल आती है। बाकी मैं अभी आने वाली स्लाइड में अभी आपको आगे इसका डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा, कौन सी लॉसी में आती है, कौन सी लॉसलेस में, किसे कब यूज करते हैं। तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए WAV फॉर्मेट को यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ फाइल वुड रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस, तो BMP फाइल जो है वो ज्यादा स्टोरेज कवर करती है। ठीक है,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, देर आर सेवरल इमेज फॉर्मेट्स अवेलेबल है हमारे पास, मेनली BMP, GIF, GIF, PNG, JPG, TIFF, PCX, TGA। तो ये मेनली वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मेनली जनरल पर्पस ये कॉमन फॉर्मेट्स हैं। तो BMP की बात करें, जैसे हमने पहले देखा कि स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेती है, विंडो बिट मैप फॉर्मेट, जिसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इट कैन स्टोर मैनी टाइप, काफ़ी सारी टाइप की इमेजेस को स्टोर कर सकती है, बट फाइल साइज कैन बी लार्ज। तो फाइल का साइज जो है BMP का सबसे लार्ज होता है। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एनिमेशन बेस्ड इमेज फॉर्मेट है, इज एन ओल्ड लो कलर इमेज फॉर्मेट कॉमन ऑन दी वेब। इट इज सुटेबल फॉर सिंपल ग्राफिक्स सच एज ड्राइंग, लोगो एंड आइकन। GIF कैन बी एनिमेटेड। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज अनदर कॉमन वेब फॉर्मेट है, सुटेबल फॉर वेब यूज एंड आर इट्स कंप्रेशन रेशियो एक्सेप्ट फॉर फोटोज एंड ट्रांसपेरेंसी फीचर। सेम JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इज द कॉमन फॉर्मेट है ये, जो हमारे फोन्स में भी होता है। इट्स लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम इज सूटेड फॉर स्क्वीजिंग फोटो, इसमें डेटा का लॉस होता है, तो इसमें लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम सूट करती है, ठीक है। तो TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये भी एक फॉर्मेट है। एटलास पिक्चर एक्सचेंज, ये ओल्ड बिल्ट मैप फॉर्मेट है। TGA ट्रू विजन ग्राफिक अडेप्टर, तो ऐसे काफी सारे फॉर्मेट है, लेकिन बेसिक के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनकंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट, सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो फॉर्मेट जिसमें कोई कंप्रेशन एल्गोरिथम लगती ही नहीं है। तो जैसे कि PCM एक फॉर्मेट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो इसमें कोई कंप्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। AIFF है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM ने डेवलप की थी, ठीक है, तो इसमें भी कोई। WAV है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इसके बारे में जैसे हमने पहले देखा था। तो ये ऑल्सो कॉल ऑडियो फॉर विंडोज एट सम पॉइंट बट नॉट एनी मोर, ये काफ़ी पुरानी वैसे हो गई, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह यूज़ होती है, तो इसमें भी कोई कंप्रेशन ऑडियो फॉर्मेट यूज़ नहीं हो रहा। अब बात करते हैं अगर लॉसी यूज़ हो रही है तो कौन कौन सी में यूज़ होती है। MP3 में इसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी का लॉस हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं भी लॉसी कंप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। OGG फॉर्मेट है, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। WMA है विंडो मीडिया ऑडियो, इसमें भी हम लॉसी कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। लॉसलेस की बात करें तो FLAC है, फ्री लॉसलेस नाम से ही है, तो इसमें हम लॉसलेस कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ALAC है एप्पल लॉसलेस, तो ये लॉसलेस बेस कंप्रेशन इसमें यूज़। और WMA, तो WMA हमने यहाँ देखा था, तो WMA लॉसी में भी यूज़ हो रहा था, ठीक है, और WMA लॉसलेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, लॉसी के लिए भी और लॉसलेस के लिए भी, सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि बिकॉज देर इज़ अ लॉसलेस अल्टरनेटिव कॉल्ड WMA लॉसलेस, तो ये WMA लॉसलेस है और ये WMA लॉसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अनकंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स रिक्वायर लेस मेमोरी, तो जाहिर सी बात है ये हम पहले ही देख चुके हैं, फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स के बेस पे बात करें, सम फाइल फॉर्मेट्स आर एबल टू सपोर्ट बोथ लॉसी, अगर कोई फाइल लॉसी को सपोर्ट कर रही है तो वो उस टाइम पे लॉसलेस को कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। कारा इज यूजिंग एन ऐप टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट, वो एक ऐप को यूज़ करना चाह रही है, जो उसके पास प्रिंटेड टेक्स्ट है या कोई नोटबुक है उसको वो डिजिटली ई बुक में स्कैन करना चाह रही है अपने ईजिली रीड करने के लिए फ़ोन से, तो वॉट टाइप ऑफ कंप्रेशन वुड बी अप्रोप्रिएट हर, तो डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ का लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो लॉसलेस ही यूज़ करेगी। जसप्रीत एंड मार्क आर रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, वो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, डेट दे विल बी अपलोडिंग टू द इंटरनेट, उसे इंटरनेट पे अपलोड करेंगे सो डेट लिसनर कैन डाउनलोड और स्ट्रीम इट। इसमें भी कोई डेटा का या किसी भी फाइल की क्वालिटी का मेनली लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी हम मेनली लॉसलेस ही यूज़ करेंगे। तो विच ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम, तो इसमें से जो काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स होती हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो रन लेंथ एनकोडिंग और LZ77 ये मेनली लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है। तो रन लेंथ एनकोडिंग के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, तो देखिए पैटर्न है इस पूरी स्ट्रिंग में, तो आप देख सकते हैं, तो इसका जो एनकोडिंग फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, 3C 5M 5S, ठीक है, एंड देन 1D एंड 6C, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज्ड इन JPG इमेज कंप्रेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा, JPG इमेज कंप्रेशन में कौन सी एल्गोरिथम, तो ये अलग अलग एल्गोरिथम के बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन JPG इमेज कंप्रेशन में कौन सी कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होती है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। विच ऑफ दीज ऑडियो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट लॉसी कंप्रेशन, तो MP3, तो MP3 फॉर्मेट में हम लॉसी कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। What is the correct order of memory storage unit from smallest to largest? तो इस ये आप जानते ही हैं किलोबाइट से लेकर टेराबाइट तक।
ठीक है, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। व्हाट टाइप ऑफ मॉडलिंग इज बीन एक्सप्लॉयटेड इन MP3 ऑडियो लॉसी कंप्रेशन? तो ये एक मॉडलिंग टेक्निक है, साइको एगोस्टिक, काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन मेनली ये MCQ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी टॉपिक अगर आप चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आगे हम एक वीडियो बना लेंगे। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन आप इसके बारे में जानते ही होंगे, कब यूज़ करते हैं। मैसेजेस इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड यूजिंग टू, दो की होती हैं असिमेट्रिक में, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड हफमैन कोडिंग, इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। तो आप सेंटेंसेस को अगर पढ़ें ध्यान से, तो फर्स्ट सेंटेंस है एक्सपेंड डेटा बाय यूजिंग फ्यूअर बिट्स टू इनकोड मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर्स। तो एक्सपेंड की बात हो रही है तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कंप्रेशन होता है। तो नेक्स्ट देखें, कंप्रेस डेटा बाय यूजिंग मोर बिट्स, नहीं ज़्यादा बिट्स को यूज़ नहीं कर रहा था, मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट जो है कंप्रेस डेटा बाय यूजिंग फ्यूअर बिट्स, कम बिट्स को यूज़ करके, कम बिट्स यूज़ करी जाती है टू इनकोड मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट भी है उसमें फ्यूअर बिट्स है, पर उसमें क्या कह रहा है, टू इनकोड फ्यूअर फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं होता, टू इनकोड मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो अकरिंग कैरेक्टर्स हैं उनको इनकोड करा जाता है, ठीक है। हफमैन कोडिंग इज एन इनकोडिंग एल्गोरिथम यूज फॉर लॉसलेस पे यूज होता है, जाहिर सी बात है हम देख चुके हैं। हफमैन इनकोडर टेक्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर, फिक्स लेंथ को लेता है और प्रोड्यूस क्या करता है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग टेक्निक है क्योंकि ये, तो वेरिएबल लेंथ इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है द आइडिया विद वेवलेट्स, जो वहाँ वेवलेट्स होती हैं, इज टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कौन से फंक्शंस के, अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल बेसिक फंक्शन, ठीक है। डाउन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेनली ये है कि हमारी जो ऑडियो फाइल है या कोई भी हमारी फाइल है या इमेज फॉर्मेट, हमारी इमेज फॉर्मेट है, तो उसका एक ऐसा सैम्पलिंग फॉर्म जिसपे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो डाउन सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डिग्रेड कर दी जाती है पिक्सल्स की, इस टू मेक अ डिजिटल इमेज फाइल स्मॉलर बाय रिमूविंग पिक्सल। तो कैसे करते हैं, पिक्सल्स को रिमूव करके, ठीक है। इन अ टाइपिकल पिक्चर मोस्ट पिक्सल विल बी, ज़्यादातर पिक्चर जो होते हैं वेरी सिमिलर होते हैं उसके बगल वाले नेबर पिक्सल के, ठीक है। विदाउट लूजिंग क्वालिटी, JPEG 2000 एक कंप्रेशन टेक्निक है, तो उसमें कंप्रेशन रेशियो कहाँ तक हम अचीव कर सकते हैं क्वालिटी को लूज करे बिना, तो 200:1 तक हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट विजुअल कंप्रेशन क्वालिटी इज अचीव यूजिंग, कौन सी विजुअल कंप्रेशन क्वालिटी टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वेवलेट से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आगे हम इसके ऊपर छोटे छोटे स्लाइड से इनका कन्फ्यूजन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, ज्वाइन एंड फॉलो अस।